दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सिंधिया गुट को निपटाने का काम शुरू कर दिया बीजेपी ने। मैंने पहले ही कुछ वीडियो में कहा था कि भाजपा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाने में लग गई है और उनके समर्थकों को भाजपाई बनाकर एमपी में सरकार बचाए रखना चाहती है बीजेपी। सिंधिया के अथक प्रयासों, भोपाल से दिल्ली तक जेपी नड्डा के पास तक दौड़ने के बावजूद मध्य प्रदेश भाजपा की टीम में सिंधिया समर्थक सिर्फ एक व्यक्ति पदाधिकारी बनाया गया है। मदन कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मंत्री पद दिया है। इससे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अपनी हैसियत का आकलन करना शुरू कर दें। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसा अब मान लिया जाना चाहिए। भाजपा राजस्थान के राजनीतिक उथल पुथल का इंतजार कर रही है। वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य के निर्णय होते ही मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य के संकेत साफ साफ दिखने लगेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में काफी उहापोह मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं और वह बहुत जल्दी या तो भाजपा खुद छोड़ देंगी या भाजपा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और जैसे ही वसुंधरा राजे के राजनीतिक भविष्य का निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है, वैसे ही एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य के भी संकेत साफ साफ नजर आने लगेंगे। बस महज थोड़े दिन का इंतजार और है।